નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇન્સ્પાયર કોચિંગ ક્લાસીસમાં આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજના વિડીયોમાં આપણે દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના જે પેપર છે તેનું આપણે સોલ્યુશન જોવાના છીએ જોઈએ તેમાં ધોરણ સાતના હિન્દી વિષયનું જે પેપર છે ટોટલ એસી ગુણનું પેપર છે તેનું સોલ્યુશન પ્રશ્ન નંબર एक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए पहला सवाल है जीवन में उन्नति करने के लिए खाली जगह आवश्यक है जवाब ऑप्शन सी शिक्षा समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे जवाब ऑप्शन बी महादेव गोविंद शिवाजी के कमरे में किसका चित्र था जवाब आवश्यक ऑप्शन सी भवानी का चौथा सवाल कुएं का चारों ओर बनी ऊंची भूमि को क्या कहते हैं तेना जवाब ऑप्शन ए जगत तीजो सवाल मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है जवाब अंबर को प्रश्न नंबर एक रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए सवाल छे, पक्षी चहचहाती हुई अपने खाली जगह की ओर जा रहे थे जवाब आ

लोग खाली नारियल हवा में नहीं उछाल सकते प्रश्न नंबर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए मालव जी को धन का लालच किसने दिया था जवाब मालव जी को धन का लालच एक सैनिक ने दिया था बीजो सवाल सूर्यास्त के समय गांव की कुछ स्त्रियां क्या करने चल पड़ी तेनो जवाब से सूर्यास्त के समय गाँव की कुछ स्त्रिया पानी लेने ले के लिए ले खड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी तीजों सवाल लड़के ने रोने का क्या कारण बताया जवाब से लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पिटेंगी चौथा तो सवाल सुशील के पिताजी माचिस की सारी तिलिया क्यों गिनते हैं जवाब से कहीं तिली कम तो नहीं यह जानने के लिए सुशील के पिताजी माचिस की सारी तिलिया गिनते है पांचवों अपने अपनी एयरलाइन के बारे में भारतीयों की राय है कि वो दुनिया की सबसे खराब एयरलाइन है प्रश्न नंबर अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए पहला सवाल चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया तेनो जवाब से चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है वह तो न गंधर्व सा गायक है न भीम सा बलवान और उसकी प्रशंसा कैसे करूँ इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय लिया भी बीचों सवाल डॉक्टर कलाम ने इस ई से हमें क्या सीख दी है तेनों जवाब से डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर निश्चिंत न हो जाए हम ऐसा न सोचने कि अब हमारी सारी जिम्मेदारी चुनी हुई सरकार उठाएगी हमारे सारे काम सरकार करेगी हमें रद्दी कागज पर कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी सामाजिक समस्याओं के बारे में हम भी अपना स्वार ही देखते हैं बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत सी गलत बात है इस प्रकार हम इस ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने की सीख दी तीसरा तो सवाल जो, जो है आप किसों को प्रामाणिक इंसान कहते हैं तेना चाहिए जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवा किसी धन का उपयोग नहीं करता उसे में प्रामाणिक

क्या पहचानने के लिए कहा है तेना जवाब से कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए किया है तीसरा तो सवाल मनुष्य मनुष्य किसके है जवाब से धरती के है चौथा तो सवाल बेटी धरती पर किसकी तरह चमकना चाहती है जवाब से बेटी धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है प्रश्न नंबर अ सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए पहला सवाल गगन पे चमके चंदा में धरती पर चमकोगी बीजो सवाल मनुष्य जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि उसकी उड़ान नब से भी ऊंची है प्रश्न नंबर तरह निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तर उत्तर लिखिए पहला सवाल है मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या कर सकता है तेना जवाब से यदि मनुष्य हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोक सकता है दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया बदला बदली जा सकती है बीजो सवाल आप जीवन में क्या करना चाहते हैं? तेना जवाब से मैं जीवन में समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ मैं लोगों को बुरे व्यसनों से छुटकारा देना दिला, दिलाऊंगा जाति पाति का भेद मिटाकर सबको समता का पाठ पढ़ाऊंगा देश में बढ़ रही बेईमानी और भ्रष्टाचार मिटाऊंगा मैं एक आदर्श समाज का निर्माण करना चाहता हूँ मैं अपने देश की जनता को सुखी बनाना चाहता हूँ प्रश्न नंबर क जो है निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए पहले प्राण न्यौछावर करना जीवन समर्पित करना वाक्य जो है भगत सिंह ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए

હો તે આ પ્રશ્નનો જવાબ સરસ રીતે મેં લખીને આપેલો છે તમારે તેમાં યોગ્ય વિરામ ચિહ્ન ક્યાં આવે છે તે જોઈને એક લખી લેવાનું છે પ્રશ્ન નંબર ચાર અ નિમ્નલિખિત વાક્યો મેં રેખાંકિત વિશેષણ પેદ બતાવીએ પેલો સવાલ છે પરિશ્રમી તો આ પરિશ્રમી છે તે ગુણવાચક વિશેષણ છે બીજામાં બીસ કિલો તો બીસ કિલો છે પરિમાણ વાચક વિશેષણ છે પ્રશ્ન નંબર બ જોઈએ નીચે દઈએ ગઈ શબ્દો કા ઉચિત ક્રમ મેં રખ કર અર્થપૂર્ણ વાક્ય બનાવીએ પેલો છે ક્યાં તમારે ફિર મનમાં બાદથી તેનો જમાશે ફિર તમારે મનમાં ક્યાં બાદથી બીજો સવાલ આપણને આપેલું છે તેના ઉપરથી આપણે સરસ મજાની વાર્તા લખેલી છે અને વાર્તા છે બકરી ચતુરાઈ તો સરસ રીતે મેં વાર્તા લખીને આપેલી છે જે તમારે એક વાંચી લેવાની રહેશે પછી આગળનો પ્રશ્ન છે પત્રલેખન તો મેં સરસ રીતે અહીં તમને પત્રલેખન કરીને આપેલું છે જે તમારે યાદ રાખવાનું છે વાંચવાનું છે અને પરીક્ષાની અંદર લખીને આવવાનું રહેશે ત્યારબાદ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર પાંચ નિમ્ન લેખિત વિષયોમાં શિકીસી એક વિષય પર સો શબ્દ અમે નિબંધ લખીએ તો અહીં સરસ રીતે મેં ચારે ચાર નિબંધ લખીને આપેલો છે પેલો નિબંધ છે એક કિસાન કે આત્મકથા તો સરસ મજાનો કિસાન વિશે નિબંધ લખેલો છે એટલે કે ખેડૂત વિશે નિબંધ લખેલો છે ત્યારબાદ બીજો નિબંધ છે મેરા ભારત દેશ ભારત તેનો સરસ રીતે અહીં લખેલો છે નિબંધ પછી ત્રીજો નિબંધ છે યદી મેં શિક્ષક હોતા તો સરસ રીતે શિક્ષક વાળો નિબંધ લખેલો છે જે તમારે શું કરવાનું છે એકવાર વાંચવાનો છે અને યાદ રાખવાનો છે અને ચોથો નિબંધ મેરા પ્રિય નેતા પ્રશ્ન નંબર પાંચમાં જો નિમ્નલિખિત કા સારાંશ લેખ્યો સરસ મજાનો આપણને ફકરો આપેલો છે અને તેનો સારાંશ જોઈએ તો તેનો જવાબમાં આવશે એક દિન એક શિકારી એક પેડ કે નીચે સો હતા जो ही उसके मन में परूप आने लगी एक राजंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर तूप न आए यह देखकर राजंश से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाढ़ चला रहा था कि उसके पहले ही राजंस उड़ गया राजंश को मारने मरवाने की कौवे की युक्त ધરી કે ધરી રહી ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો જોયો સાંભળ્યો અને સમજ્યા તે બદલ આપ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર આવા જ એક નવા વિડીયો સાથે આપણે ફરી મળીશું ત્યાં સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો ફટાફટ સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો નીચે કોમેન્ટમાં લખીને જરૂર બતાવશો